क्वीन ऑफ इंडिया कही जाने वाली फाल्गुनी पाठक इन दिनों सुर्खियों में है। उनके 90 के दशक के आइकॉन सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई का रीमेक रिलीज हुआ है, जिसे नेहा कक्कड़ ने गाया है। गाना रिलीज होने के बाद नेहा की सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी हो रही है। वहीं लोग फाल्गुनी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फैंस ने कहा है कि फाल्गुनी के गानों और उनकी आवाज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओल्ड इज गोल्ड, इन सब के बीच कई लोग फाल्गुनी की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनकी शादी हुई है या नहीं, उनके पति का क्या नाम है, उन्होंने बॉलीवुड से क्यों दूरी बना ली थी। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ सारे जवाब मिलेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको फाल्गुनी पाठक के गाने पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाल्गुनी का रियल नेम फाल्गुनी पाठक है और इन्हें क्वीन ऑफ डांडिया नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुनी पाठक का जन्म 12 मार्च 1969 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और 2022 के हिसाब से 53 साल की है। फाल्गुनी पाठक प्रोफेशन से एक सिंगर और कंपोजर है। दोस्तों, फाल्गुनी ने स्कूलिंग मुंबई के लोकल स्कूल से की और जब ये छोटी थी तब ये रेडियो काफी सुनती थी, जिस वजह से इनके अंदर भी इंटरेस्ट आया कि वो भी एक सिंगर बनेंगी। और 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टेज शो इंडिपेंडेंस डे के दिन किया और इस बात का जब उनके पिता को पता चला तो उन्हें बहुत डांट सुननी पड़ी थी। दोस्तों, फाल्गुनी ने SMTMM के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक मुंबई से BCom की डिग्री हासिल की है। अब बात करते हैं फाल्गुनी पाठक के करियर के बारे में। गुजराती फैमिली में जन्म होने की वजह से फाल्गुनी बचपन से ही गरबा सुनते सुनते बड़ी हुई है। उनकी मां ने उन्हें गुजराती ट्रेडिशनल सॉन्ग सिखाया था और बाद में फाल्गुनी ने नवरात्रि इवेंट्स में गाना शुरू किया। 1994 में उन्होंने अपना बैंड बनाया जिसका नाम था ताथैया। इस बैंड के जरिए उन्होंने कई देशों में परफॉर्म किया। फाल्गुनी पाठक का पहला एल्बम 1998 में रिलीज हुआ था। धीरे धीरे उनके गाने हर जगह छाने लगे थे। उन्होंने बॉलीवुड मूवीज के लिए भी कई गाने रिकॉर्ड किए। उनके ज्यादातर म्यूजिक वीडियो लव स्टोरीज पर बेस्ड होते थे। फाल्गुनी पाठक के पॉप सिंगल्स खूब पॉपुलर हुए थे, उन्हें आज भी सुना जाता है। उनकी आवाज के आज भी लोग दीवाने हैं। उनके एल्बम न सिर्फ मेलोडीज गाने बल्कि उनके साथ दिखाई जाने वाली लव स्टोरीज के लिए बहुत फेमस थे। उन्होंने चूड़ी जो खनकी हाथों में, मैंने पायल है छनकाई, मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, सावन में जैसे हिट गाने गाए हैं। वो गुजराती कम्युनिटी में बहुत फेमस है। उन्हें नवरात्रि जैसे त्योहारों में परफॉर्म करने के लिए खूब इन्वाइट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2013 में ये रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने नवरात्रि फेस्टिवल से 2 करोड़ रुपए कमाए थे। उन्हें एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए गाने और परफॉर्म करने के लिए हर दिन के 70 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। फाल्गुनी ने भवदीप जयपुर से वोकल म्यूजिक में 5 साल की ट्रेनिंग ली है। साल 2002 में उन्होंने कस्ट्यूम डिजाइनिंग में हाथ आजमाया और फिल्म जैसे दिल विल प्यार व्यार और दिल है तुम्हारा में बतौर कस्ट्यूम डिजाइनर काम किया। आप फाल्गुनी के बारे में शायद ही ये बात जानते होंगे कि वो कई टीवी सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन बनेगा करोड़पति, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, बा बहू और बेबी जैसे सीरियल में दिखाई दी थी। फाल्गुनी पाठक बॉलीवुड से क्यों दूर रहती है? फाल्गुनी पाठक ने एक बार बताया था कि उन्हें बॉलीवुड के काफी ऑफर मिलते हैं लेकिन वो स्टेज शो करके खुश है। उन्होंने कहा कि अगर आप बॉलीवुड में काम करते हैं तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को कभी सीरियसली नहीं लिया। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि फाल्गुनी पाठक टॉम बॉय जैसे क्यों रहती है। बताया जाता है कि 4 बेटियों के बाद उनके पेरेंट्स को उम्मीद थी कि 5वां बेटा ही होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए फाल्गुनी बचपन से ही लड़कों जैसे रहने लगी, लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लगी। वो 53 साल की उम्र में आज भी ऐसे ही रहती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना फाल्गुनी पाठक का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है। चलिए मिलवाते हैं आपको फाल्गुनी पाठक की फैमिली से। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप इनके फादर को देख सकते हैं और फाल्गुनी पाठक की मदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहीं मैं आपको बता दूं फाल्गुनी पाठक की 4 बहनें हैं। अब बात करते हैं फाल्गुनी पाठक के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, फाल्गुनी पाठक सेंटा क्रूज वेस्ट मुंबई में रहती हैं, जैसा कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें फाल्गुनी के कार कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इनके कार कलेक्शन में पहली कार है BMW 5 सीरीज जिसकी कीमत है 65 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज ई क्लास जिसकी कीमत है दोस्तों 70 लाख रुपए। वहीं बात करें फाल्गुनी पाठक के इनकम के बारे में, तो दोस्तों फाल्गुनी पाठक एक शो के लिए 20 से 25 लाख रुपए फीस लेती है। अब बात करते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में, आखिर इनकी नेटवर्थ कितनी है। तो दोस्तों, फाल्गुनी ने अच्छा खासा रुपया कमा लिया है। इनकी टोटल नेटवर्थ है लगभग 113 करोड़ रुपए। तो ये थी फाल्गुनी पाठक की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।